अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज आपको पुर्तगाल में बनी गाला लेके चलते हैं, पर आप पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें। टेढ़ा मेढ़ा एक गिर गुर के क्यों चल रहे हैं? उस तरफ मूवी बनाने का क्या? तुम वहाँ उसे बनाओ ना, अब आगे से तुम ऐसे चलो। अब हमने सामने हमारे आपको दिखा, हम जब उसमें जाएंगे नहीं, नजर ही नहीं आ रहे, बहुत काले आ रहे हैं दोनों। काले आ रहे हैं, हम नहीं काले नहीं तो मैं तो आ सकता हूँ। अच्छा जी, इमरान खान के चाहने वालों की, इमरान खान के फैंस की बात करें तो आप किसी भी कंट्री में चले जाएं तो आपको इमरान खान के चाहने वाले मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ मारती मुनीस हम आए हुए थे, तो आप यहाँ आएंगे तो आपको बनीगाला के नाम से एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा और इसमें बड़ी सी खान साहब की तस्वीर भी लगी हुई है। नहीं, मैंने गुलाब जामुन लेना है। हम जब भी यहाँ बंगाली गली आए तो हम बनीगाला से मिठाई ज़रूर खाते हैं, क्योंकि हम पूरी फैमिली को मीठा बहुत पसंद है। हम इस गली जिस काम से आए थे वो काम हमने बाद में किया। सबसे पहले हम तीनों ने अपनी अपनी पसंद की यहाँ से मिठाई खाई। बंगाली गली में जी एक और रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, टेस्टी हट के नाम से। इनके खाने भी बहुत अच्छे होते हैं, हम हर चक्कर पे इनकी एक नई डिश ट्राई करते हैं और आज हमने इनकी चिकन दहलीम ट्राई की थी। टेस्ट अच्छा था इसका, पर पाकिस्तान के जैसा नहीं था। वैसे यहाँ के मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे जो थे वो लाहौरी चने लगे। इस गली में आके तो लगता ही नहीं कि आप यूरोप में हैं, बड़ा ही देसी सा माहौल है और ज़रा गली भी मैली कुचैली सी। अरे लोगों से छोटी हैं। बाज आ जाए करो। अच्छा, इस गली की अच्छे से सैर के बाद किसी और जगह भी चलते हैं और ये देखें, ये वही टेस्टी हट जहाँ से अभी हमने खाना खाया था। जो लोग नए नए पुर्तगाल आते हैं तो वो लोग हलाल रेस्टोरेंट, हलाल चिकन मटन वगैरह या देसी ग्रोसरी वगैरह सर्च करते हैं, तो इसलिए ये गली काफ़ी मशहूर है। और ये एक और दिन था जब हम दोनों किसी काम से निकले हुए थे, रास्ते में बर्गर किंग नज़र आ गया तो हम यहाँ पे रुक गए। यहाँ का वेज बर्गर मुझे बहुत पसंद है और आइसक्रीम भी। वैसे बर्गर तो हम बहुत ही कभी कभी खाते हैं, पर आइसक्रीम तो हम अक्सर ही सवाब का काम समझ के खाते हैं। अब आपने खोल लिया, ये आपका है, इसको बंद कर। चलें आप बनाएं। मैं उस वक्त से बना रहा हूँ। हाँ, काटूंगी ना, मैंने बर्गर खोलना है ना। खोलो। हाँ सही है, ये प्राइस भी मैंने खानी है। हाँ जी, तुमने ही खानी, मैंने तो कुछ खाना ही नहीं है, मैं दुनिया में आया ही नहीं, प्राइस नहीं खानी है। रोजे रख के आया हूँ, पतला करना है मैंने आपको। हाँ, फिर ऊपर से प्राइस खाएंगे। ये अहमद का साइड पे कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये खाया था ना, वेजिटेबल बर्गर। अच्छा इनका। हाँ, अच्छा बर्गर है, सही है। सामने आ जाओ, तुम्हें दिखाऊं। चले, यहाँ से बर्फ डालो। आइस है इसमें, यहाँ एक मिनट खुश। बस बस, अब देख लो ये जीरो है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ले लो, रखो नीचे। हमेशा ये वाले काम ना बच्चे ही कर रहे होते थे। हाँ जी, अब दूसरी मुफ्त की पी है, ज्यादा सही लग रही होगी। पहले वाली के तो पैसे दिए हुए हैं ना। पैसे यार, ये अच्छी बात है, अनलिमिटेड है, ये बड़ी अच्छी बात। पाकिस्तान में भी है। हाँ, मुझे पता तो वो हमारा वो कनाडा की कौन सी आई थी, बाद में बंद हो।
सबसे पहले उन्होंने, फिर हार्डीज पे, हार्डीज पे अभी भी ऐसे है पाकिस्तान में। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम भी। थैंक यू सो मच। आइसक्रीम तो ऐसे है कि आप कभी भी खा सकते हैं, इसके लिए सोचना नहीं पड़ता। मेरी तरह आइसक्रीम किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइसक्रीम खाने से आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। और ये एक और दिन था, हम डाउनटाउन वॉक करते करते आइसक्रीम खाने गए हुए थे, तो काफ़ी सारे लोग खड़े थे तो हम भी देखने के लिए खड़े हो गए। तो कुछ नहीं, तीन चार लोग गिटार बजा रहे थे और गाना गा रहे थे, और साइडों पे काफ़ी सारे लोग तमीज़ के साथ खड़े गाना सुन रहे थे बस। और ये पुर्तगाल की रोड कितनी खूबसूरत हैं। और हम बात कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न एरियाज में ऐसी ही खूबसूरती है। आज के व्लॉग के सारे क्लिप्स पहले के हैं, समर के, मुझे अच्छे लगे इसलिए आपके साथ शेयर कर लिए। आपको भी व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।